की रणनीति में चुनावी उम्मीदवार किस तरह से मतदाता को गुमराह कर अपने जेबे गर्म करते हैं, या यू कहे पार्टी की टिकट जिस उम्मीदवार को मिलती है उस उम्मीदवार की निकल पड़ती है। जैसा कि एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग 2 जिला परिषद और 5 नगर परिषद और 8 से 10 नगर पंचायतें आती हैं। अब यहां दर्शकों के जहन में सवाल होगा कि हम आपको यह क्यों बता रहे हैं। जैसा कि 2 जिला परिषद, इनमें होते हैं 15 विभाग, यानी एक लोकसभा क्षेत्र में 30 मुख्य कार्यकारी अधिकारी इन विभागों में विराजित होते हैं। ठीक इसी प्रकार 5 नगर परिषदों के 55 विभागों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। ऐसे ही नगर पंचायत के भी विभाग प्रमुख होते हैं। अब इन मुख्य अधिकारियों से पार्टी टिकट मिलने वाले उम्मीदवार को चंदे के रूप में मोटी रकम पार्टी फंड के नाम से वसूली जाती है। एक लोकसभा क्षेत्र में लगभग पार्टी के टिकट पर 5 से 7 उम्मीदवार होते हैं और यह अधिकारी हर उम्मीदवार को चंदे के रूप में मोटी रकम मदद कर के रूप में देते हैं, क्योंकि इन अधिकारियों को डर लगा होता है कि अगर हमने उम्मीदवार को मदद नहीं की तो उम्मीदवार हमें मदद नहीं करेगा। यानी यूं कहें, चोर चोर मौसेरे भाई की तर्ज पर ही यह चुनाव का चुनावी लड़ा जाता है। इस पूरे मामले में पार्टी टिकट मिलना ही मायने रखता है। अगर टिकट है तो उम्मीदवार की निकल पड़ती है, क्योंकि जेब से चुनाव लड़ने में इन उम्मीदवारों को रुपए नहीं लगते और हारने के स्थिति में इनकी टिकट इन उम्मीदवारों की 5 साल के लिए चल पड़ती है। यह है चुनावी खेल, जो कि मतदाता सोचता है चुनाव उम्मीदवार ने काफी खर्च किया है, लेकिन होता है वह मतदाताओं की जेब का ही। यही मेन और मुख्य वजह है कि टिकट उम्मीदवार की चुनाव हारने के बावजूद हालत पतली नहीं होती है। यह है इस देश का चुनावी सच। चुनावी संबंधित रहस्यों को हम इसी तरह से उजागर करते रहेंगे। तब तक के देखते रहिए MNS News Live।